Bismillahir Rahmanir Rahim. Day 13 and Hadith number 13. An Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama rawahu al-Bukhari. Narrated Uthman bin Affan radiyallahu anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the most superior among you are those who learn the Quran and teach it. Reference Sahih al-Bukhari. Explanation: the Holy Quran is a words of Allah, so learning it is better than to learn other sciences, and teaching it is better than to teach other sciences. The Hadith encourages to learning and teaching the Quran, so we should do it. अगर हम इसको उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करें तो इसका तर्जमा ये होता है, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। हदीस से मैसेज कन्वे होता है कि तमाम उलूम अपनी जगह पर है, लेकिन कुरान और हदीस में, हदीस मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जो बात बयान कर रहे हैं वो ये है कि सबसे ज़्यादा अफजल तरीन लोग वो है जो कुरान की तालीम को हासिल करे और वो कुरान की तालीम को दे। इसमें हदीस, इसमें कुरान शरीफ की तशरीह, इसमें तफसीर, तमाम चीज़ें आ गई, यानी कुरान शरीफ से मुताल्लिका तमाम उलूम का सीखना और इसके सीखने वाले लोग, इसके सिखाने वाले लोग सबसे ज़्यादा अफजलियत के हामिल हैं। इस हदीस से ये जो मैसेज हम तक पहुँचाया जा रहा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ और सबसे ज़्यादा बुनियादी तालीम जो है वो है कुरान की तालीम। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम सबसे पहले दें, बाद में जाकर उनको दीगर उलूम से रोशनास कराए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक दे, हमें अमल करने वाला बनाए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि ऐसी ही एक नई वीडियो आप हज़रात की खिदमत में जल्द लाई जा सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिलीज में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।